हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सबको मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 8 AM पे पहले ये सेशन हुआ करता था, अभी 7:15 पे 7 AM पे हम लोग इस सेशन को कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे डेली रेगुलर देखते होंगे। डेली रेगुलर आपको ये सेशन बहुत कुछ सीखने को देगा, सिखाएगा और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो 7:20 है जो कि हो चुके हैं, इनफैक्ट 25 है जो कि हो चुके हैं। यार आज मंडे है और संडे और मंडे दो दिन का न्यूज़पेपर कवर करने में टाइम लगता है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह बहुत कुछ है जो कि देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। आवाज़ वाज सब कुछ एकदम परफेक्ट होगी, आई होप सब कुछ सही होगा। तो सबसे पहले तो आज के सेशन में कितने आर्टिकल है ये मैंने काउंट नहीं करे, लेकिन 13-14 के आसपास आर्टिकल है जो कि होंगे संडे और मंडे को मिला के, है ना। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आज दोस्तों, और 15th कल भी था और आज लास्ट 16th को आज 12% आपके लिए ऑफ है। अगर आपको क्लास 24 पे 12th, नीट, सीटेट, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम के कोर्स, या फिर अगर आपको आपको टेस्ट सीरीज लेनी है जो कि बहुत अच्छी बनाई जाती है, तो आप रेफरल कोड जो है N12 है जो कि यूज कर सकते हैं। नवरात्रि दोस्तों कल थी, तो इसी के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों के लिए ऑफर है जो कि लाया गया था। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे बैचेस अवेलेबल है। तो आज लास्ट डे है, रात के 12 बजे बाद आपको नहीं मिलेगा। तो N12 है जो कि आप यूज कर सकते हो। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, प्रिपरेशन में जाना है। मेरा जीके का कोर्स भी आपके पास में अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं। इट टेक्स सो मच एनर्जी टू बी मीन, इट टेक्स मच लेस टू बी नाइस। देखो हमेशा ऐसा ही होता है ना, अगर आपको एरोगेंस दिखानी है, अगर आपको प्राउड दिखाना है, अगर आपने कुछ छोटा मोटा कुछ जिंदगी में अचीव कर लिया है, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिंदगी में बड़ा तो आपके नज़र में होता है, दुनिया के नज़र में तो हर चीज रिलेटिव होती है ना। तो हमेशा मीन बनने के लिए आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, आपको ये सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है किसके साथ कैसे रहना है, किसको कैसा दिखाना है, किसको कैसा बताना है। लेकिन इसका एक बार उल्टा करके देखिए, आप जैसे हैं वैसे रहो, बी नाइस टू एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि कौन है, कैसा है, आपके साथ कैसा बिहेव करता है। आपको लगता है कि लाइफ बहुत बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, आपको लगता है कि एनर्जी जो है वो लाइफ में बहुत कम है जो कि आपको लगानी पड़ेगी इन चीज़ों के ऊपर एटलीस्ट, है ना। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, मतलब लोगों को एरोगेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि जो एरोगेंस आप लेके चलने की कोशिश करते हो ना, उसके लिए बहुत एनर्जी, बहुत दिमाग है जो कि आपको इधर उधर लगाना पड़ता है। क्योंकि एरोगेंस सबको तो नहीं दिखाते हो, आप अपने से ऊपर वाले को तो नहीं दिखा सकते हो, नीचे वालों को ही दिखाते हो, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, दिमाग है जो कि लगाना पड़ता है। अगर आप ये सोच के देखिए कि सबके लिए अगर प्रति आप नाइस रहेंगे, अच्छा रहेंगे, तो आपको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपका काम अपने काम के ऊपर फोकस करना होना चाहिए जिंदगी में, उसके आउटपुट हैं जो कि आपके रिजल्ट आते रहते हैं, आप ऊपर बढ़ते रहते हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छी बात है जो कि एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने भी कही थी कि आप अपना मेन जो काम है वो करिए, बाकी सारी चीजें जो है वो आपका मेन काम देख लेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए, बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका जब रिजल्ट है वो सारी चीजें देख लेगा, आपको ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। थैंक यू एवरीवन। हाँ, कल क्लास 24 का एक न्यू ऑफिस है जिसका इनॉग्रेट किया गया है, तो काफ़ी कुछ बच्चों ने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, तो थैंक यू एवरीवन, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ये सब चीज़ें हो पाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं संडे के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने दोस्तों मैच देख ही लिया होगा, बहुत ही खतरनाक मैच, 1.25 लाख की ऑडियंस और बहुत ही अमेजिंग मैच है जो कि रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले वही दिखाया गया, सिक्किम के अंदर दोस्तों जो अभी फ्लड की वजह से जो डैम फॉल हुआ है ना, उसका टेंशन है जो कि बढ़ गया है भूटान में भी, क्योंकि सिक्किम भी आपको मालूम है हाई एल्टीट्यूड रीजन के ऊपर है और वैसे ही भूटान भी है। तो भूटान के अंदर भी हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट है जो कि कर रहे हैं उनके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी रिवर कोर्स के पास में जो है, रिवर्स कोर्स वाले एरिया में जो है वो बनाए गए हैं। तो अगर हमारा वाला जो 1200 मेगावाट का जो तीस्ता थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है ना, तो जो तिस्ता रिवर के ऊपर बनाया गया है जो 4 अक्टूबर को बह गया, वो एक टेंशन है जो कि क्रिएट कर रहा है आने वाले दिनों में भूटान के ऊपर जो हमारे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी। तो हमें इसके ऊपर बहुत कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम है जो कि हो सकती है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है जो कि फेरी को लेकर है। श्रीलंका के अंदर 40 साल बाद में फेरी है जो कि स्टार्ट करी गई है, जहाँ पे आप बैठिए श्रीलंका जाके सीधे आप उतर जाओगे, है ना। यहाँ पे पीएम मोदी जी ने दोस्तों कंफर्म कर दिया है कि हम लोग 2036 के ओलंपिक के ऊपर बेट है जो कि मारने वाले हैं, बिट है जो कि हम लोग करने वाले हैं। अब ये बिट जो होगी बहुत, मतलब ओलंपिक्स में बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर है जो कि लगते हैं,
लेकिन अगर हमने करवा लिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा हमारे लिए और जीडीपी में भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के एलीट जो एथलीट है वो पूरे दुनिया के एक देश में आते हैं। तो अभी हम लोग 36 के ओलंपिक के ऊपर बेट मार रहे हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में मिलता है कि नहीं मिलता। अगर हमारे थोड़े बहुत मेडल बढ़ गए ना तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट है जो कि मिल जाएगा। एक मिनट दो मेरे को। तो इसके अलावा दुर्गा पूजा जो कि आपको मालूम ही है दोस्तों, वेस्ट बंगाल और दिल्ली के अंदर बहुत बड़े सेलिब्रेशन के साथ में मनाई जाती है। अभी यूपी के अंदर भी जो है एक ग्रैंड फेस्टिवल है जो कि हो चुका है, तो उसको लेकर एक आर्टिकल है जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है। हमारे लिए जो जरूरी है वो सबसे पहले यही जरूरी है जो कि है हमारे इंडिया और श्रीलंका को लेकर। देखो बहुत साल 40 साल बाद में ऐसा हुआ है कि इंडिया है ना और तमिलनाडु का यहाँ पे नागापट्टिनम करके एक छोटा सा एरिया है, एक टाउन है, यहाँ से लेकर दोस्तों जाफना श्रीलंका के बीच में ये रूट है जो कि बनाया गया है। और हमारे यहाँ पे इससे क्या होगा, टूरिज्म भी इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा पीपल टू पीपल कनेक्ट इंप्रूव होगा, इधर से उधर लोग है जो कि जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। तो काफी बेनिफिट है जो कि इससे मिल जाएगा। तो ये हाई स्पीड एक पैसेंजर फेरी सर्विस है जो कि दोनों के बीच में स्टार्ट किया गया है। तो हमारे यहाँ पे सर्बानंदा सोनोवाल और तमिलनाडु के जो मिनिस्टर है उन्होंने दोस्तों उसको क्या किया है, अभी रिसेंटली इनॉग्रेट है जो कि किया है। तो इससे काफी बेटर होगा मतलब, और इसका जो नाम है वो है चेरी या पन्नी, है ना, हाई स्पीड क्राफ्ट है, चेरी या पन्नी इसका नाम है। और सुबह 8:30 बजे जो कि ये स्टार्ट हुई 50 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर के साथ में, तो इसमें 50 लोग है जो कि नियर बाय आ सकते हैं। ओके, और रेनिल विक्रमासिंघे जो है उन्होंने भी इसको लेकर एक अच्छा मैसेज है जो कि डिलीवर किया है। देखो इंडिया और हमारे लिए श्रीलंका और श्रीलंका के लिए इंडिया दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात हमें भी समझनी जरूरी है, श्रीलंका को भी समझनी बहुत जरूरी है ना। चेरियापन्नी ये इसका नाम है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अंडमान निकोबार से भी दोस्तों हमारे कनेक्ट करने के लिए शिप है जो कि रिलीज करनी थी, लेकिन अभी वो होल्ड पे चली गई है। तो उसी को लेकर लक्षद्वीप की साइड में लॉन्च करना था, लेकिन वो भी डिले हो गया है। तो उसको लेकर भी हुआ है कि पहले श्रीलंका में क्यों किया गया, लक्षद्वीप में करना चाहिए था। लक्षद्वीप में ऑलरेडी वैसे कुछ फेरी चल रही है, लेकिन वहां पे इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन अभी रिसेंटली श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशनशिप मजबूत करने का टाइम है, क्योंकि अभी वहां पे अभी आपको मालूम है मालदीव्स के अंदर तो चाइनीज प्रो थोड़ा बहुत आ गए हैं। अभी श्रीलंका के अंदर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी तरीके से बने रहे, है ना। तो ये वाली कहानी है। ओके, अब देखोगे अगर आप तो श्रीलंका का अगर आप इतिहास उठाओगे ना, तो श्रीलंका का जो पूरा बना है वो भारत से ही लोग है जो कि गए हैं, है ना। 500 BC यानी कि आज से 2500 साल पहले जब अशोका ने प्रमोट करना चालू किया बुद्धिज्म, तब उसके बच्चे संगमित्रा महेंद्र ये सब जो है उन्होंने उसने अलग अलग कंट्री में भेजे, तो श्रीलंका में भी गए थे, वहां पर भी लोगों को उसने बुद्धिज्म के बारे में बताया, लोगों को काफी पसंद आया, लोगों ने जो इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। हमारे तमिलनाडु से भी बहुत लोग है जो कि श्रीलंका वहां पे सेटल हुए, तभी जो है वो श्रीलंका का फॉर्मेशन हुआ, है ना। जो लोग बहुत पहले चले गए थे वो वहां पे जाके सिंगल बन गए, सिंगल ही इसका पुराना नाम था। और जो लेटेस्ट गए थे 1950 60 70 80 के दशक में गए, वो तमिल बन गए एक्चुअली में। तो फाइट तमिल और सिंगल के बीच में वहां पे देखने को मिलती है। और हम लोग बात करते हैं तमिल के राइट्स को लेकर और सिंगल बात करते हैं सिंगल के राइट्स को लेकर, इसी वजह से वहां पे लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्मेशन हुआ था, और जिसकी वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी उनकी बाद में डेथ भी हुई, है ना। तो जयवर्धनापुर कोटे दोस्तों इसकी कैपिटल है। कोलंबो को नॉर्मली एग्जीक्यूटिव कैपिटल और जुडिशरी है जो कि माना जाता है ना। सबसे बड़ी सिटी कोलंबो ही है। सिंगल और तमिल यहाँ पे लैंग्वेजेस चलती है, 75% सिंगल ही है, उसके बाद श्रीलंकन तमिल से 11% एंड फिर बाकी लोग हैं। 70% लोग जो है यहाँ पे बुद्धिज्म है जो कि फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमासिंघे दिनेश जो है अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लाइफ हमारे देश की आजादी के बाद ही नेक्स्ट ईयर ही जो है 1948 के अंदर ही जो है इनका इनको इंडिपेंडेंस है जो कि मिली थी। उससे पहले काफी सारे किंगडम है जो कि यहाँ पे सेटअप हुए हैं।
है ना, 550 आप देख सकते हो, 550 BCE के टाइम पे पहली बार यहाँ पे किंगडम है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था राज राता का। पॉपुलेशन की बात करें 2 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, GDP पर कैपिटा $3,500 पर पर्सन पर ईयर है। अभी बहुत ही मुश्किलों से जो है वो गुजरा है, अभी थोड़ी कंडीशन है जो कि वहां पे सही है ना। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो चुकी है ना, $3,500 पर पर्सन पर ईयर हमारे से थोड़ी ज्यादा है, हमारे भी 2,500 से 3,000 के आसपास है, 3,300 के आसपास है जो कि पहुंच गई, बराबर ही है ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो इंडिया के, है ना। और SBI के अंदर हाई है, रुपी यहाँ पे करेंसी है जो कि श्रीलंकन चलती है। अगर आप हिस्टोरिकल टाइप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से ही दोस्तों लॉन्ग हिस्ट्री जो है हमारे कल्चर रिलीजन और ट्रेड की देखने को मिलती है। कल्चर तो इसलिए क्योंकि काफी कॉमन है, यहाँ का बुद्धिज्म वहाँ का बुद्धिज्म, है ना, रिलीजन यहीं से वहाँ पे गया है, और ट्रेड जो है वो श्रीलंका के पास में बेस्ट ऑप्शन इंडिया का ही है। आज भी अगर आप देखोगे तो जितो भी श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया के अंदर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ से FDI नियर बाय 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का FDI भी हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर टाइज है बिकॉज ऑफ द बुद्धिज्म दोनों के ही बीच में। इकोनॉमिक टाइज की बात करें, इंडिया जो है वो श्रीलंका का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, US UK के बाद में इंडिया ही आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है जो कि करता है। हम लोग इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में दोस्तों काफी बेनिफिट है जो कि पहुंचाते हैं, मेजर इन्वेस्टर भी है। डिफेंस की बात करें, सिलिनेक्स और मित्रा शक्ति, ये 2 एक्साइज होती है, साथ में बिमस्टेक साग, इन सारे ग्रुप के अंदर ये हमारे साथ में शामिल भी है। सवाल भी आता है एलिफेंट पास का 2018 के अंदर कहां पर जो है ये देखने को मिलता है, तो रिसेंटली जैसे अभी मैंने 2 सिटी के नाम आपको बताया, तो आपसे फेरी के बीच में पूछेंगे ये कहां पर है, इससे थोड़ा कोई भी जो नई चीज होती है उसके बारे में पेपर में सवाल बन जाता है। तो ये एलिफेंट पास आपको श्रीलंका में देखने को मिलता है ना। चलिए पेज नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, एक तो रेड फोर्ट के अंदर एक हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक फेस्टिवल होने वाला है साथ में बस एक यही न्यूज है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी दिसंबर जब आएगा तो कैपिटल के अंदर हमारे जो आइकॉनिक रेड फोर्ट है ना, यहाँ पे पूरे एक वीक का फेस्टिवल है जो कि होने वाला है। यहाँ पे हम लोग हमारे देश के जितने भी लैंडमार्क बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबके क्या बोल सकते हो आप, एक छोटे छोटे से उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी छोटी छोटी सी इमेजेस, 3D मॉडल, वो सब है जो कि हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, है ना। जैसे कि हमने नई जो पार्लियामेंट बनाई है, वेलंकनी रेलवे स्टेशन है, शालीमार बाग है श्रीलंका के अंदर, श्रीनगर के अंदर सॉरी, तो ये सब जो है हम लोग हमारा आर्ट आर्किटेक्चर और डिजाइन है जो कि यहाँ पे शोकेस करने वाले हैं, है ना। इसको IAADB इस फेस्टिवल का नाम है और यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री इसको 9 से 15 दिसंबर के बीच में आयोजित करवाने वाली है। मोदी जी जो है इसको होस्ट है जो कि करने वाले हैं। वीक लॉन्ग फेस्टिवल होगा, हर दिन एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा बिल्डिंग का है वो यहाँ पे शोकेस है जो कि किया जाएगा, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करेंगे, एक तो बात करेंगे आर्मेनिया के बारे में। सऊदी अरेबिया ने दोस्तों इसराइल के साथ में थोड़े अपने रिलेशनशिप को अभी थोड़ा सा वो दे दिया है, क्या बोलते हैं, ब्रेक दे दिया है, बिकॉज अभी काफी एक पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है जो कि चल रहा है ना। ये वाली न्यूज जरूरी है, इसराइल ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बात करेंगे, ये भी जरूरी है। तो रिसेंटली आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी साइन कर दिया है रेक्टिफिकेशन ICC की मेंबरशिप में। अब ICC कोई इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आप सभी को मालूम है, जो कि रशिया के साथ एकदम अपोजिट में रहता है। रशियन प्रेसिडेंट को तक उसने सजा सुना दी थी, जेल अरेस्ट करने का दे दिया था, तो G7 समिट में बेचारे पुतिन नहीं जा पाए थे क्योंकि साउथ अफ्रीका भी उसका सिग्नेटरी था, काफी प्रॉब्लम हो गई थी। हाथाजोड़ी करके साउथ अफ्रीका ने पुतिन को मनाया कि भाई आप इस बार मत आओ, हमारे लिए थोड़ा इंटरेक्शन दिक्कत हो जाएगी। और जितने भी देखो रशिया क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके पहले USSR के टाइम पे जो मेंबर थे 14 कंट्री प्लस 1 14 कंट्री जो थे वो सारे उसको सपोर्ट करें, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी बन चुकी है कि सब लोग एक तरीके से जो है वो रशिया के खिलाफ ही खड़े हैं, क्योंकि रशिया ने ना तो कोई डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, ना ही कोई जो एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनको सपोर्ट किया, है ना, ना ही कोई ट्रेड एंड साइंस के अंदर कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव किया कि पूरी दुनिया के लिए कुछ बेनिफिट ला दिया, ऐसा भी कुछ नहीं किया, है ना। ट्रेड एंड बिजनेस के अंदर भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ हथियारों में आगे है बस रशिया आज के जन पे। तो इसके वजह से सारे के सारे जो 14+1 जो 14 कंट्रीज जो बने थे वो सारे के सारे धीरे धीरे वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ चलते गए, आर्मेनिया भी उसी में से एक है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो खाराबक वाला जो एरिया का जो मुद्दा हुआ है अभी, उसके वजह से भी दोस्तों आर्मेनिया को वेस्टर्न साइड लेना पड़ा, क्योंकि आर्मेनिया को सपोर्ट करता है USA और वेस्टर्न यूनियन, यूरोपियन यूनियन, और वैसे अजरबैजान को चाइना और रशिया का जो है, और बाद में बाकी जो अरब कंट्रीज है उसका सपोर्ट है जो कि अजरबैजान को है। तो आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट ने अभी सीधेली जो है रेक्टिफिकेशन है जो कि रोम स्टैट्यूट का, जिसमें रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है ज्यूरिडिक्शन किसका, ICC का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का।
हालांकि रशिया ने जो है इनको वार्निंग है जो कि दी थी, उसके बाद में भी इन्होंने कर लिया। तो अगर आप देखोगे पार्टीज एंड सिग्नेटरीज, ये जो आपको डार्क ग्रीन में मिलेगी स्टेट की पार्टी है जिन्होंने इसको साइन कर रखा है। हम भी दोस्तों ना तो इसको हमने साइन किया हुआ है ना ही हम इसके सिग्नेटरी हैं। आप देख सकते हो रेड के अंदर है हम लोग, है ना। पाकिस्तान ने जो है इसको कर रखा है, स्टेट पार्टी बना रखा है इसको। इसके अलावा चाइना भी नहीं है इसका, एशियन कंट्रीज में इसके साइन और पार्टी दोनों ही नहीं है। हेग के अंदर जो सीट है, इंटरनेशनल जो हमारा कोर्ट है उसकी, वहीं आईसीजे की वहीं पर इसकी सीट है। इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 130 कंट्रीज इसके मेंबर है। अगर यहाँ पर कोई भी इन कंट्रीज के अंदर कोई प्रोसिक्यूशन या कोई लड़ाई या कुछ इस तरीके से होता है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, तो जो है जो करता है उसको आईसीसी जो है वो सजा दे सकता है, ठीक है। और जिन कंट्रीज के अंदर हो रहा है ना, उस कंट्रीज के अंदर जो है उनको पनाह नहीं मिलती जिसने ये काम किया है। ये इसका एक पैरामीटर है जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। आर्मेनिया की बात करें, यरेवन इसकी कैपिटल है। और अगर देखोगे क्रिश्चियनिटी यहाँ पे रिलीजन है। यहाँ पे वाहगिन करके जो कि अभी इसके प्रेसिडेंट है, निकोल जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। पॉपुलेशन कुछ ज्यादा नहीं है, 30 लाख की पॉपुलेशन है मात्र, मतलब GDP पर कैपिटा $8,000 पर पर्सन पर ईयर SDI में आई है। द्रम करके जो है इसकी करेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आप मैप में देखोगे तो आपको आर्मेनिया और उसी के ही साइड में आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा। उसके बाद में बाल्टिक सी में 3 कंट्री आ जाएंगे, जॉर्जिया, लातविया, लुथेनिया, ये सब देखने को मिलेंगे। और उधर आपकी ब्लैक सी है जो कि देखने को मिलेगी, समझ गए। इसी के रूट से टर्की है, यही पुराना, और यहीं से ही जो है यूरोप की तरफ आप जाते हो। इसी के नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये मुद्दा चल ही रहा है इसराइल के बीच में। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो प्रॉब्लम क्या है, एक तो यूक्रेन रीजन भी है, ठीक है, और उसके बाद आर्मेनिया अजरबैजान वाला रीजन भी हो गया, उसके अलावा एक इसराइल वाला। तो ये पूरा रीजन जो है वो आज के टाइम पे काफी अनरेस्ट वाला कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यही कारण है इस वाले पूरे तीनों रीजन के अंदर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो फॉल ऑफ द USSR आप सबको मालूम ही होगा। जितने भी आपको कंट्रीज नजर आ रहे हैं सारे के सारे बाजू वाले जो रशिया के हैं ये सब USSR के हुआ करते थे। इन सबको जो 1991 के अंदर इंडिपेंडेंस है जो कि मिल गई थी, है ना। कई सारे इवेंट, कई सारे देशों के अंदर प्रोटेस्ट होने लगे, फाइनली जो है सबने डिविजन कर लिया, ओके। तो ये मिखाइल जो थे उनके द्वारा ये रिफॉर्म है जो कि लाया गया था। तो सबसे पहले लुथेनिया को मिला, फिर जॉर्जिया, फिर एस्टोनिया, लेटविया एंड सो ऑन। यूक्रेन की भी एक समस्या थी, बेचारों ने भरोसा कर लिया रशिया के ऊपर। यूक्रेन के पास में बताया सबसे ज्यादा डिफेंस की इंडस्ट्रीज और सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन यूक्रेन वाली लैंड के अंदर ही था रशिया का। तो जब अलग हुआ तो उन्होंने डील कर ली कि आपका जो है भी है न्यूक्लियर है और सब जो डिफेंस का मार्केट है वो रशिया देखेगा, और वो सारे के सारे ले लिए। उसके एवज में उन्होंने डिफेंस करने के लिए बोला भी रशिया ने कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, डिफेंस करेंगे। लेकिन आज जो है जिसने डिफेंस का वादा किया उसी के खिलाफ है जो कि युद्ध लड़ना पड़ रहा है। तो यूक्रेन का भी एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो है वो काफी गलत हो गया। लास्ट जो था वो कजाकिस्तान था जो कि 14th कंट्री यहाँ पे बना था, ओके। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कि वहां पे अभी एक क्या हुआ है, अभी एक वोटिंग है जो कि वहां पे किया जा रहा है, रेफरेंडम किया जा रहा है सारे की सारी जनता के द्वारा, 2-3 करोड़ की जनता जो है वहां पे, कि क्या इंडिजीनियस कम्युनिटी जो है वहां की, जो वहां के अब ओरिजिनल लोग हैं जो 17th century से वहां पे रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यूरोपियन के आने से पहले रह रहे हैं, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होगा उसके अंदर उनका भी वोटिंग होना चाहिए क्या। पॉपुलेशन की बहुत ही कम है, 2-3-4% के आसपास है जो कि आज के टाइम पे बची हुई है। तो यहाँ पे अब ऑब्वियस बात है 2-3-4% की जो पॉपुलेशन बची हुई है उन्होंने तो वोट किया होगा, बाकी लोगों ने किया नहीं, क्योंकि बाकी लोग जो बाद में आए हैं वो तो चाहेंगे नहीं कि आके ओरिजिनल लोगों को कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा राइट है जो कि मिले। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जब अभी रिसेंटली वोटिंग हुई तो लोगों ने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ के जो अभी प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ के जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने तो यस नाम का कैंपेन भी चलाया था उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों का वोट है जो कि लेने के लिए, लेकिन जनता ने जो है इसको नकार दिया। 59% लोगों ने जो है अगेंस्ट है जो कि इस प्रपोजल के भेजा है। टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स है जो कि इनको कहते हैं, ठीक है। 1901 का इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बदलाव को लेकर ये बात बोली गई थी, मूल निवासी लोग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के बाद में। तो इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ये तो एक तो संडे का न्यूज़पेपर है ही, बुमराह की बॉलिंग खतरनाक एकदम, सबने 2-2 विकेट शेयर किए, मतलब सबकी अच्छी थी काफी अच्छी परफॉर्मेंस। चलिए यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर भी नेशनल पार्टी जो है वो यहाँ पे बन गई, नई गवर्नमेंट है जो कि बनी है। क्रिस्टोफर लैक्सन जो कि यहाँ के लीडर है अभी वो यहाँ पे प्रधानमंत्री है जो कि बनेंगे, ठीक है गाइस, है ना। और प्राइम मिनिस्टर जो अभी यहाँ पे थे हिपकिंस थे, तो उनकी लेबर पार्टी थी वो गवर्नमेंट है जो कि नहीं बना पाएंगे, जनरल इलेक्शन हुए, नए प्रधानमंत्री है जो कि क्रिस्टोफर लैक्सन है जो कि बनेंगे, है ना।
चलो ठीक है, छोटी सी बात है, बाकी कुछ खास यहाँ पे नहीं है। इससे पहले जैकिंडा आर्डन थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने खुद ने ही रिजाइन है जो कि कर दिया था कुछ टाइम पहले। चलो आज के इंडियन एक्सप्रेस के बारे में, द हिंदू के बारे में बात करें आज के मंडे के न्यूज़पेपर की, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे इसराइल ने रेडी हो चुका है, इसराइल अटैक करने के लिए मिलियन लोगों को इवैक्यूएट है जो कि कर दिया है। आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि जैसे कि ये गाजा स्ट्रिप है पूरी के पूरी, तो यहाँ पे नॉर्थ वाले जो पार्ट में लोग रहते हैं यहाँ पे अटैक है जो कि इसराइल करने वाला है अपनी आर्मी के माध्यम से। तो यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो इन सारे लोगों को साउथ में जाने के लिए बोला था। इनफैक्ट जब साउथ में जाने के लिए बोला था तो सारा इलेक्ट्रिसिटी, फूड, सब पानी वानी सब बंद कर दिया था, लेकिन अभी बाइडेन ने रिक्वेस्ट करी तो साउथ वाला जो रीजन है ना यहाँ पे तो वाटर पाइपलाइन है जो कि वापस से स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, अब ये सारे लोग जो थे ना 1 मिलियन के आसपास ही साउथ में आ चुके हैं। अब इसराइल जो है अपना अटैक करने की शुरुआत करेगा और इस पूरे रीजन में जितने भी है हमास ग्रुप के जो टेररिस्ट लोग हैं इन सबको खत्म करने वाला है। तो काफी बड़ा मतलब काफी लार्ज स्केल के ऊपर ये युद्ध जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, और ये एरिया जो है वो इसराइल पूरे मैप से हटा देगा मतलब आज के टाइम पे, है ना। कुछ एक ऐसे न्यूज भी मैंने एक दो जगह पे, मेरे को व्हाट्सएप पे लोगों ने शेयर किया मुझे एक दो फोटो। बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब वो ये बात है ना, कितना ही समझाओ फेक न्यूज तो लोग प्रमोट करते करते हैं। तो एक वैसे एक फोटो आई हुई थी पुराने नाम की, और ये बोला गया था कि किसी जमाने में इसराइलियों को जो है वो पैलेस्टीन ने सपोर्ट किया था, उनको रहने की जगह दी थी, वो बहुत ही बुरे स्थिति में थे, भूखे नंगे थे, तो उनको अपना गले लगाया, जगह दी, आज उन्होंने ही इनके साथ में दगा कर दिया, है ना, ऐसा कुछ पोस्ट आया था मतलब, है ना। तो ऐसा तो अगर मैं थोड़ी सी इतिहास उठा के देखूँ तो ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है वैसे, है ना। माइंड भी आप लोगों के पास में भी आया होगा, डेफिनेटली मतलब युद्ध किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए दुनिया में किसी भी जगह पे, है ना। लेकिन वो था कि वो एक बोलते ना एक एजेंडा है जो कि सेट नैरेटिव चलाया गया फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए या थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए, अदरवाइज ऐसा हुआ नहीं है। इसराइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे थोड़ा सा इसके बारे में एक बार जानते हैं, है ना, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या है कि इसराइल जिसको जुडाइज्म यहाँ का रिलीजन है, इसका जो न्यू फॉर्म है ना, जो न्यू मूवमेंट है, एक बच्चे ने ये भी सवाल मुझसे पूछा था कि जुडाइज्म और जूनिज्म इसके इसके बीच में क्या फर्क है। तो देखो जुडाइज्म एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है, और जो नया मूवमेंट चला था जिसके तहत एक जगह पे एक कंट्री बनाने की बात करेगी उसको जूनिज्म नाम है जो कि दिया गया था। तो देखो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, अब मैं बात करता हूँ आपके लिए 19th सेंचुरी की, 1801 से लेकर 1900 तक की, आज से 200 साल पहले, जो यहूदी लोग है ना, ये ज्यूइश जो लोग हैं ये यूरोप के अंदर सेटल हुआ करते थे अलग अलग जगह पे, लेकिन अलग अलग जगह पे इनके साथ में बहुत ज्यादा मिस ट्रीटमेंट है जो कि होता था। जैसे कि फ्रांस के अंदर इनके जो लोग सेना में थे उनको गलत चार्ज करके जेल में डाल दिया गया, फ्रांस के अंदर भी ऐसे ही हुआ, जर्मनी में तो आपको मालूम ही है हुआ ही था, फर्स्ट पहले से हो रहा था इसराइल, और फिर हिटलर के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हुआ, लाखों लोगों को मार दिया गया था, है ना, गैस चेंबर के अंदर ही। उसके बाद में इटली के अंदर भी सेम कहानी हुई, तो कई जगह पे यूरोप में अलग अलग, रशिया ने भी सेम किया, रशिया ने भी यहूदियों को जो है वो अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी। फाइनली सारे के सारे इजरायली जो है उन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला कि हमें एक खुद का कंट्री है जो कि बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग पूरी दुनिया में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इन्होंने जगह लोकेशन मार्क करी या तो अर्जेंटीना या फिर युगांडा, पहले ही अपना कंट्री वहां पे बनाने वाले थे। लेकिन जब इन्होंने थोड़े से इतिहास के पन्ने खोले तो जो इनकी हिब्रू बाइबल है ना, एक्चुअली ये लोग भी क्रिश्चियनिटी से ही निकले हैं, जैसे कि अब सिखिज्म बुद्धिज्म भी हिंदुइज्म में से निकला है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी से ही हिब्रू ये जो इनका रिलीजन है ना, ज्यूज जो लोग फॉलो करते हैं जुडाइज्म, वो भी वहीं से निकला है। तो क्या था कि जो हिब्रू बाइबल है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इब्राहिम थे उनके जो ग्रैंडसन थे उनका नाम था जेकब, तो जेकब को गॉड ने जो है वो इसराइल नाम दिया था, उस लैंड के नाम दिया था जिस लैंड पे ये लोग रह सकते हैं। जब थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट देखे तो पता लगा कि ये जो ऑटोमन एम्पायर का एक जो प्रोविंस है जिसको पैलेस्टीन कहते हैं, उसी के आसपास का रीजन जहां पे आज इसराइल है, यहीं पे हिस्टोरिकल इनके हिस्टोरिकल जो इविडेंसेज हैं, हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि इसी रीजन के अंदर जो है वो ये लोग अपना कंट्री है जो कि बनाएंगे। उसके बाद में जब ये लोग अपना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात कर रहा हूं मैं ये आपको, है ना, 1914 से पहले की, तो इन्होंने क्या किया अपना वहां पे सेटल करना स्टार्ट किया। अब जब ये लोग आए वहां पे तो इन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल एकदम खाली एकदम, वहां पे ये लोग फार्मिंग करने लग गए, थोड़ा सा एरिया इनको मिल गया। फिर इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी करप्शन तो था ही, तो कई सारे लोगों से जो उनके ऑफिशियल थे उनको पैसा वैसा देके जमीन खरीद ली,
उसके बाद कई लोग ऐसे भी थे फिलिस्तीन के उस जमाने में जिनको वहां पे कुछ काम करना ही नहीं था, मतलब उनको जमीन जो है वो बेचने थी और कहीं सेटल होना था, तो उन्होंने जमीन बेच दी ज्यादा रेट पे इसराइलियों ने खरीद ली। जब ये लोग जमीन खरीदने लग गए इसराइली लोग वहां पे और अपना एरिया बनाने लग गए, तब उसी टाइम पे इन्होंने एक अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी बना ली और जो इसराइलियों को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए क्या करने लग गए, मोटिवेट करने लग गए। एट द सेम टाइम थोड़े स्मार्ट थे दिमाग से, इनको पता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारे फेवर में होना बहुत जरूरी है, तब जाके कुछ आगे हो पाएगा, अदरवाइज तो ये इतना पावरफुल थे नहीं उस टाइम पे, तो इन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट गेम करना भी चालू कर दिया। फाइनली दोस्तों ब्रिटिशर्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तब तक इन्होंने अपनी छोटी मोटी सेना और काम वाम करना, मिलिट्री के अंदर सारी चीजें करना, अपनी मोसैड इंटेलिजेंस एजेंसी सिक्योरिटी सिस्टम ये सब बनाना चालू कर दिया था। ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इसराइलियों की जरूरत पड़ेगी। उसी टाइम पे बेलफोर करके एक पर्सन था इनका, उसने कहा कि अब ये सपोर्ट लेने का सही टाइम है, मौके पे चौका मार दो। तो उसने क्या कर दिया, बेलफोर डिक्लेरेशन कर दिया जिसमें ये बोल दिया कि भाई देखो ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट कर दिया इसराइलियों की, ये जमीन तो इनकी, इनको थोड़ा बहुत लैंड है जो कि देना पड़ेगा। उसके बाद इसराइलियों को और सपोर्ट मिल गया और मोटिवेशन आ गया, इन्होंने और वहां पे अपना एरिया बड़ा करने की कोशिश करी। फाइनली दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद, उससे पहले जब यहूदियों पर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ जर्मनी में, तो उसके बाद में इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा आने लग गया इसराइल के पास में। यूएस ने भी बहुत सपोर्ट दिया, यूएसए का आप ये मान के चलिए छोटा बेटा ही है इसराइल एक तरीके से, सबसे जो घर में जाता छोटा बेटा होता है ना यूएसए का, वही है इसराइल, जो बोलता है वो कर लेता है और उसका सबसे बड़ा पार्टनर है, मतलब आज सबसे बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट वेस्ट एशिया में वही है ना। बाइडेन ने एक बार बोला पानी चालू करो तो इसराइल ने पानी चालू कर दिया है ना, कभी भी टालता नहीं है इसराइल उसके बाद। तो इस तरीके से जो है वहां पर इसराइल का फॉर्मेशन हो गया। जब उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब पूरे के पूरे ज्यूइश को पता लगा कि ये कंट्री जहाँ पे हमें रहना है, तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, सबने मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर रखी है वहाँ पे, जो भी सिटीजन है वो मिलिट्री में एनी टाइम पार्टिसिपेट कर सकता है, इतना उनको जो है सक्षम है जो कि बना रखा है। लड़कियों के लिए 24 महीने, लड़कों के लिए 32 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। अब आप सोचिए आप अगर 2-2.5 साल मिलिट्री ट्रेनिंग कर लोगे तो आपकी क्या, आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है किस लेवल पे होगा। आज के टाइम पे भी जयपुर में पुष्कर के अंदर बहुत सारे इजरायली थे, जैसे ही वहां पे युद्ध हुआ सबने अपनी फ्लाइट पकड़ी और रवाना, अब वहां पे सब जो है वो लड़ने के लिए रेडी हो गए, पूरी दुनिया से इजरायली वापस से इकट्ठे हो गए लड़ने के लिए। तो इस तरीके का उन्होंने अपना एक कल्चर है जो कि वहां पे बिल्ड कर रखा है। इसकी वजह से धीरे धीरे फिर 48 के अंदर यूएन के पास में, ब्रिटिशर्स ने तो एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया था फिलिस्तीन को लेकिन उन्होंने माना नहीं, तो फाइनली ये यूएन के पास चला गया, यूएन ने जो है वो फिलिस्तीन को ग्रैंड कर दिया एरिया, और उसके बाद में 48 के अंदर पहली अरब वॉर हुई और धीरे धीरे फिर वो अपना एरिया लेता चला गया। ठीक है, इस तरीके से ये इसका इतिहास है एक्चुअली के अंदर, समझ गए मेरी बात, होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं जो कि आज दोस्तों बर्थ एनिवर्सरी जो कि किसकी, अपने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की, 16th of October दोस्तों, आज 16 तारीख है ना, बिल्कुल ठीक है, आपके लिए नवरात्र का रेफरल कोड भी है N12 लगा लेना, कोई भी क्लास 24 पे अगर आपको कोर्स लेना हो तो नेट JRF UGC नेट CSR की प्रिपरेशन करनी है तो JRF अड्डा वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, क्योंकि अभी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है, और स्किल 24 पे भी आपको सारे कोर्सेज में N12 यूज करके आपको हेल्प जो कि मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो 16th of October बंदा बहादुर जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है, ये बहुत ही फेमस दोस्तों इनकी पिक्चर है जो कि हमेशा हर टाइम पे हर जगह काम में ली जाती है ना, यहीं से इंस्पिरेशन है जो कि आपके बाहुबली के अंदर वो लास्ट वाला कटप्पा ने क्यों मारा वो वाला मोमेंट है जो कि लिया गया था एक्चुअली में। चलिए तो बंदा बहादुर जी की बात करें तो 1670 में इनका जन्म हुआ और 45 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई 1716 के अंदर। सिख वॉरियर थे, कमांडर थे दोस्तों खालसा आर्मी के, 15 साल में इन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए निकल पड़े है ना, उसी टाइम पे माधोदास इनको नाम है जो कि दिया गया, एक मोनेस्ट्री स्टैब्लिश करी नंदेत के अंदर गोदावरी रिवर के पास में 1708 में, और गुरु गोविंद सिंह के दोस्तों डिसाइपल बन गए और बाद में वहीं उनके द्वारा नाम है जो कि बंदा बहादुर दिया गया। उसके बाद में वहां से सोनीपत आए और वहां पे अपनी कई सारी सेना को इकट्ठा किया और मुगल के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इनफैक्ट मुगल का जो पहला प्रोविजनल एरिया था ना उसको तो इन्होंने पूरा हटाई दिया था, गायब कर दिया था है ना, समन्ना करके एरिया था 1707 में, वहां पे उन्होंने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दी, अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया, पंजाब के अंदर जमींदारी सिस्टम हटा दिया, सभी लोगों को लैंड के राइट से जो कि देना इन्होंने स्टार्ट किया। फाइनली दोस्तों जब ये सोनीपत, ठीक है, फाइनली जो है मुगल सेना के द्वारा इनको 1715 में कैप्चर किया गया और वहां पर जो है इनकी डेथ है जो कि हुई। उस टाइम तक ये काफी अच्छा एम्पायर है जो कि सिख वाला सिख एम्पायर है जो कि एस्टैब्लिश कर चुके थे। नेक्स्ट है जो कि पेज नंबर 10 पे है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे UAV के बारे में, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे RCEP के बारे में भी, दोनों इंपॉर्टेंट है।
देखो अभी क्या है कि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS हैं, जो इनका नाम है अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने रिसेंटली दो स्टडीज है जो कि करवाई है और उन्होंने बोला कि हमें कितने UAV आर्मी नेवी एयरफोर्स को चाहिए आने वाले दिनों में चाइना और पाकिस्तान से अगर काउंटर होता है तो उस वाले टाइम पे, तो उसका हमने जो है रिसेंट स्टडी करके सारी जानकारी है जो कि ली है। ठीक है, समझ गए। तो अभी हमें कई सारे UAVs की जरूरत है। आपको मालूम है ना, ये UAV जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, काफी बड़े होते हैं और पूरा प्लेन वाला काम करते हैं, है ना। पहले तो अभी हमने क्या कर रहे हैं, 31 MQ-9B, ये दुनिया में सबसे एडवांस UAV है जो कि माने जाते हैं। इनको बोलते हैं हेल, HALE, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। और इसी के साथ में एक और है मेल नाम के भी, ये मीडियम एल्टीट्यूड वाले हैं या हाई एल्टीट्यूड वाले हैं। तो हाई एल्टीट्यूड वाले तो 31 और मीडियम वाले 155। ये हम लोग जो है वो USA से, वहां की एक कंपनी एटोमिक्स करके, वहां से हम लोग ले रहे हैं। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारी ट्राई सर्विसेज के अंदर ही काम आएगा। पहले देखो क्या होता था, जो उड़ने वाली चीजें वो सिर्फ एयरफोर्स के पास में होती थी, अब ऐसा नहीं है। आर्मी ने भी अपनी विंग है जो कि बना ली है, जो कि हेलीकॉप्टर अटैक भी करती है और इस तरीके का UAV को भी हैंडल करती है, है ना। अनमैंड एरियल व्हीकल्स होते हैं UAVs, ऑलराइट। तो मेजर अपग्रेडेशन है जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। ऑपरेशनल की बात करें तो अभी हमारे पास में हीरोन नाम के इसराइल से हमारे कई सारे UAV है जो कि हमने लिए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं अभी। अब हम लोग हीरोन को ही क्या करने वाले हैं, अपग्रेड है जो कि करने वाले हैं। 21,000 करोड़ रुपए का दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, है ना। हालांकि ये पेंडिंग है कई सालों से, लेकिन अभी इसको वापस से काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें से क्या होगा, 31 में से कुछ तो नेवी के पास में जाएंगे, सी गार्जन होंगे, और कुछ जो है वो स्काई गार्जन होंगे, एयरफोर्स के पास में जाएंगे, मतलब एयरफोर्स और आर्मी के पास में जाएंगे। $300 मिलियन का दोस्तों एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो कि यहाँ पे आने वाला है। G20 समिट हुआ था, तब वहां पे मोदी जी और बाइडन के बीच में इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ था। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पहले गई इंडिया की तरफ से LOR, फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA उनके द्वारा दिया गया, उसके बाद में हमने वापस से इसके ऊपर काम करना चालू किया। आर्मी के पास में अपाचे हेलीकॉप्टर की भी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर भी हम लोग काफी काम है जो कि कर रहे हैं। ठीक है, एयरफोर्स जो है वो 15 LCH जो कि ले रही है, और टोटल मिला के 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है आर्मी और एयरफोर्स को, जिसका कॉस्ट 45,000 करोड़ रुपए का है, वो भी गवर्नमेंट के अप्रूवल के अंदर अभी अटका पड़ा है। ऑलराइट, इससे पहले $800 मिलियन की अपाचे हेलीकॉप्टर की डील हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे दो रिपोर्ट की जानकारी है जो कि यहाँ पे दी गई है, हमने इसको कवर कर लिया है। ठीक है, बिपिन रावत जो थे वो हमारे पहले CDS थे, बिल्कुल सही बात है, पूजा यादव ने कहा है। नेक्स्ट है जो कि RCEP को लेकर है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको मालूम है RCEP जो है वो सबसे पहले इनिशिएट हमारे द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में हमारे लिए गले की फांद बन गई वो। क्यों? क्योंकि RCEP के अंदर सारे तो एशियन कंट्रीज है मेंबर, साथ में चाइना भी है, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज के मेंबर है। RCEP में ये बोला जाता है रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कि सारे कंट्रीज अपने जो ट्रेड के जो अभी जो ड्यूटीज लगती है ना, जो टैक्सेस लगते हैं, उनको डाउन कर देंगे। तो क्या होगा कि सभी कंट्रीज को एक दूसरे कंट्रीज का एक्सपोर्ट करने का एक्सेस जो कि इजीली मिल जाएगा। जब हमने इसके ऊपर में रिसर्च करी तो पता लगा कि पहले ही हम लोग चाइनीज माल जो आइटम है माल है उससे हम लोग पहले भरे पड़े हैं। यहाँ पे हम लोग एक तरफ तो बोलते हैं चाइनीज गो बैक, और जो झंडा उठा रहे होते हैं वो भी चाइनीज बना हुआ होता है, और इतने चालाक है लोग इस तरीके से बनाएंगे कि मतलब पता भी नहीं चलेगा। एक बार अभी कुछ टाइम पहले एक मोदी जी ने सबमिट करवाया था क्या बोलते हैं अपने वही वाला जो हमारा जो इंडिजीनियस मूवमेंट है जिसमें हम लोग खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर जो है वो कई सारी टी शर्ट से जो कि बनी हुई थी, है ना, मेक इन इंडिया को लेकर। जब रिसर्च करी गई तो पता लगा वो टी शर्ट जिसके ऊपर मेक इन इंडिया छपा हुआ है वो टी शर्ट भी चाइना के मटीरियल से बनी हुई है, और वो टी शर्ट 50,000 टी शर्ट है जो कि बांटी गई थी मार्केट में। तो पहले अब दिवाली आए, होली आए, कुछ भी देखो आप, चाइनीज आइटम का इतना भरमार पड़ा रहेगा मार्केट में, और हम लोग जाने अनजाने में खरीद लेते हैं, है ना। हमें समझना चाहिए कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो हमारे जो रेडी के ऊपर जो लोग हाथों से बना रहे होते हैं, जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। दिए, दीपक, ये सब जो है वो रोड साइड वाले से खरीदो, वो बेचारा घर पे बैठ के, गांव के अंदर बैठ के वो बना रहा होता है, कैसे कैसे करके वो शहर तक पहुंचता है और अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रहा होता है। मतलब यार, आप लोगों के लिए 1 रुपया 2 रुपया इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए तो पूरा फेस्टिवल इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये हमारी एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है हमारे कि हम लोग कभी रेडी वाले से तो 50 बार नेगोशिएट करते हैं, और किसी भी मॉल में जाएंगे, किसी भी रिलायंस स्टोर पे जाएंगे, किसी भी जाएंगे, वहाँ पे हिम्मत ही नहीं है नेगोशिएट करने की। वहाँ पे तो जो रेट है उसी पे मिलेगा, आप करके दिखा दो 1 रुपया भी कम वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आप पे कर दोगे, लेकिन बेचारे रेडी वाले के आप पीछे जो है जान के पीछे पड़ जाओगे।
सबसे ज्यादा माहौल तो ये आंटियों ने खराब किया है रेडी वाले से, धनिया टमाटर मिर्ची सब बेचारा, और वो भी आदमी क्या करे बेचारा, उसको सेल करनी है जैसे भी जैसे करेगा। लेकिन कोशिश करो, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपके लाइफ में 1-2 रुपए से फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों करना है यार, दे ना मतलब जो भी वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हमने ये तो चाइनीज के आइटम के इतना बम्बार्डमेंट होता है कि हम झेल ही नहीं पाते। तो फाइनली जो है हमारे लोकल लोकल बिजनेसमैन वालों ने और एमएसएमईज वालों ने सबने जो है इसका प्रोटेस्ट किया, और फाइनली गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि ये काम नहीं करना है। मोदी जी ने साफ तौर पे जाके आरसीपी की मीटिंग के अंदर मना कर दिया 2019 के अंदर कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे काम को। लेकिन प्रॉब्लम बताया क्या होगा, श्रीलंका और बांग्लादेश ने जो है अप्रूवल दे दिया है आरसीपी के अंदर शामिल होने के लिए। अब श्रीलंका का मार्केट इंडिया का कॉम्पिटेटिव बन जाएगा, श्रीलंका के अंदर भी चाइनीज आइटम बहुत सारे कूद के पड़ेंगे, और वो लोग प्रोडक्टिविटी के अंदर जो सामान बनाने में प्रोडक्शन में इंडिया के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, और बांग्लादेश के अंदर भी सेम स्थिति हो जाएगी। तो दोनों ही देशों ने दोस्तों मूव करने के लिए शुरुआत जो कि कर दी है। 4 साल हो चुके हैं आरसीपी से हमने वॉकआउट किए हुए, लेकिन हमारे इस नेबर श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि इस 15 मेंबर के ट्रेडिंग ब्लॉक को जो है वो इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, श्रीलंका ने तो अप्लाई कर दिया, रनिल विक्रमसिंघे ने बोल दिया है कि बीआरआई फोरम के ऊपर भी वो ऑलरेडी गए हुए हैं चाइना के पास में, है ना। और इसके अंदर जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन उनके लिए कोई चिंता की स्थिति नहीं है क्योंकि उनका अपना अपना अलग अलग उनका अपना उन्होंने अपना अपना बना रखा है ऑलरेडी, एक एक डोमेन बना रखा है जहां पे वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। साउथ कोरिया जापान तो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने आगे हैं कि उनको कोई चिंता की बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया अपने वुल के अंदर कपड़ों के अंदर आगे, ये जो वुल है बाकी सब सामान जो बनते हैं इन सब के लिए आगे है ना, फिशरीज में आगे, टूरिज्म में, तो उनका इतना दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या, हम लोग अभी उस स्थिति के अंदर नहीं है कि इसको काउंटर कर सके, तो वही एक चिंता का विषय है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए मेजर इकोनॉमीज है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले ब्रिक्स के अंदर भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, तब भी हमने मना कर दिया था। सबसे पहले ऑलरेडी दोस्तों FTA के तहत जो है ये दोनों कंट्री हमारे साथ में तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ये बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ में करेंगे तो फिर स्थिति बढ़ सकती है थोड़ी सी अजीब। 30% GDP जो है वो RCEP के मेंबर्स के पास में आज के टाइम पे, 15 कंट्री कुल मिला के 90% जो टैरिफ जो लगाए जाते हैं गुड्स के ऊपर 20 सालों में वो सारे के सारे हटा देंगे एक दूसरे के ऊपर से, है ना। और हालांकि हमने इनको बोला है कि भाई वापस से सोच लो इस डिसीजन के बारे में, आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी तो इनको खैर समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो ये सारे कंट्रीज हैं आरसीईपी के अंदर पार्टिसिपेंट, हमने तो साफ तौर पे मना कर दिया, बाकी सारे कंट्रीज है जो कि इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। ठीक है, एफटीए एग्रीमेंट 16 एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में ये प्रपोज है जो कि किया गया, इंडिया दोस्तों इसमें से आउट हो गया, तो कुल मिला के अभी बच गए 15 यहां पे, 10 मेंबर तो एशियान के हैं, बाकी आपका फिर चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। फेनन पंच जो है वहां पे नेगोशिएशन है जो कि हुआ था 2012 से, इसका नेगोशिएशन है जो कि चल रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, एक तो 3.5 बिलियन जो लोग हैं 8 बिलियन दुनिया के पॉपुलेशन में से वो इसके अंदर कवर है जो कि हो रहे हैं। एस्टिमेटेड 40% वर्ल्ड की GDP, 30% ग्लोबल ट्रेड है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है ना। दुनिया के 3 लार्ज इकोनॉमी चाइना, इंडिया और जापान इसके अंदर शामिल थी, दुनिया के 3.5 बिलियन लोग, बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, पोटेंशियल काफी बड़ा था कि इंडिया और चाइना मिलकर जो है इसके अंदर काफी बड़ा अपना एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन चाइनीज अभी बहुत ही आगे हैं, मतलब इसके वजह से हम लोग ये रिस्क है जो कि नहीं ले सकते। मेक इन इंडिया में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कितना कर रहे हैं वो सभी को मालूम ही है, वो वाली बात है। तो ठीक है, इसीलिए हमने इससे अपना हाथ जो कि खींच लिया। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12, यहाँ पे बात की जा रही है साइंटिस्ट की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 करने के लिए, है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ खास नहीं। यहाँ पे MS गिल जो कि फॉर्मर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मनमोहन सिंह गिल, 86 की एज में इनकी डेथ हो गई अभी साउथ दिल्ली के अंदर। स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, स्टैटिक्स मिनिस्टर भी हुआ करते थे, है ना, और पंजाब कैडर के ऑफिसर थे, काफी फेमस ऑफिसर थे, राज्यसभा के अंदर भी कांग्रेस के कैंडिडेट है जो कि ये बन चुके थे, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित है जो कि किया जा चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अभी क्या है कि हमारे IITs, IIM और एम्स में देखोगे तो वहां पे जो प्रोफेसर थे उनके रिटायरमेंट एज 65। हमारे अगर आप ICAR, ICMR है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च और मेडिकल रिसर्च, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 62 है रिटायरमेंट एज, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट है उनकी रिटायरमेंट एज है 60 साल। तो हम चाहते हैं कि 60 साल के बाद इनकी भी रिटायरमेंट एज को हम लोग 65 है जो कि कर दे, है ना।
ये वाली कहानी है। तो 6 अक्टूबर को इसके बारे में चर्चा है जो कि करी जा रही है कि इनके भी रिटायरमेंट को बढ़ा दें और एटलीस्ट ये करें कि 60 साल के बाद में जो 5 साल और है ना, इनको हम लोग यूज़ कर लें कहाँ पर, हमारे टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर, IITs में और बाकी सारी जगह पर, ताकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे कॉलेजेस को भी मिल सके। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो 5 साल ये वहाँ पे पढ़ा के निकाल सकते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा इनका एक्सपोजर है, अगर ये बच्चों को मिलेगा तो कितना बेनिफिट होगा। तो वही चीज़ की प्लानिंग है जो कि करी जा रही है। हालांकि इसकी चर्चा 2015 से हो रही है लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाया है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे इजरायली वापस अपने देश है जो कि जा रहे हैं अपने देश को डिफेंड करने के लिए। सबसे ज़्यादा वॉलंटियर और 1973 के बाद में पहली बार इकट्ठा है जो कि हो रहे हैं। हमारे इस फ्रंट पेज पर कुछ भी खास नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये विजिंजम पोर्ट के बारे में। देखो केरला के अंदर जो है अडानी का एक और बहुत बड़ा पोर्ट है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना। यहाँ पे जैन हुआ 15, ये एक बहुत बड़ी कार्गो शिप है जो कि रिसेंटली ईस्ट चाइना सी से होती हुई हमारे यहाँ पे केरला के अंदर आई है ना। ठीक है, विजिंजम पोर्ट, ये विजिंजम पोर्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा क्रेन हैंडलर पोर्ट है। गंगैटिक बहुत बड़ा पोर्ट है जहाँ पे काफी बड़ी क्रेन से जो कि सेटअप हो जा सकती है और इनफैक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप जो है वो भी यहाँ पे रुकने की उसकी कैपेबिलिटी है। पहले ये जो शिप है वो या तो दुबई की साइड पे रुकेगा गल्फ की साइड में या फिर सिंगापुर साइड में रुकता था, लेकिन अब हमने भी केरला के अंदर अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लिया है। तो सदर्न मोस्ट पार्ट जो है कंट्री का वहां पर ये पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट है, इंडिया का फर्स्ट इस तरीके का पोर्ट है जो कि बनाया गया है और जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड के अंदर करंटली जो कि चाइना डोमिनेट करता है उसके अंदर एक बिग स्लाइस है जो कि हम लोग ले सकते हैं क्योंकि इसके पास में भी अभी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो काफी अच्छी है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब, लॉजिस्टिक्स, इन सब के अंदर हमें काफी मदद है जो कि यहाँ पे मिलने वाली है। तो कोलंबो, दुबई और सिंगापुर, ये तीन जो है वो हमारे नेबरिंग के अंदर बड़े पोर्ट है और अब हमारा ये वाला जो कोयला का पोर्ट है अडानी के द्वारा इसको बनाया गया कोलैबोरेशन के साथ में, है ना, ये देख सकते हो आप यहाँ पर है जो कि इसको बनाया गया है। तो यहाँ से अलग अलग जगह पे जो है वो आप सामान को भेज सकते हो। ठीक है, इस तरीके का केरला के कोस्ट के ऊपर है जो कि इस पूरे एरिया के अंदर इसको बनाया गया है। 2015 के अंदर अडानी ग्रुप ने दोस्तों एक एग्रीमेंट है जो कि केरला गवर्नमेंट के साथ में साइन किया था इंडिया का फर्स्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बनाने को लेकर तिरुवनंतपुरम के पास में है, लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम ये होल्ड पे चला गया, उसके बाद इसके ऊपर काम है जो कि स्टार्ट हुआ। टोटल मिला के आप देख सकते हो 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ऑल वेदर डीप सी पोर्ट है, 24 मीटर की इसकी डेप्थ है और काफी बड़े कंटेनर शिप है जो कि ये हैंडल कर सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है ना, तो पोटेंशियल काफी अच्छा है। बड़े बड़े जो भी शिप ऐसे जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको रोकने के लिए, उसको वहां पे ट्रैफिक को अनलोड करने के लिए, लोड करने के लिए ये हेल्प है जो कि कर सकता है। अभी तो ये कोलंबो, सिंगापुर, दुबई कर रहे थे हमारे आसपास। शिपिंग लेन दोस्तों, इंटरनेशनल शिपिंग लेन जो है उसके पास में बन गया है, ईस्ट वेस्ट शिपिंग एक्सेस के पास में। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी काफी अच्छी है, इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं, टी बोर्ड के नए चेयरमैन है जो कि बने हैं जिनका नाम है अमरदीप सिंह भाटिया। ओके, कुछ खास नहीं है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आपके बैंक के एग्जाम में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। आगे बात करते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। रिसेंटली एक रिपोर्ट है जो कि पब्लिश हुई है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस। चलो, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो कितने लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, उसका एक डाटा है जो कि हमारे NSO ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा दिया गया है। 2022-23 का डाटा है जो कि जुलाई से जून के बीच में कंडक्ट है जो कि करवाया गया। इसमें बताया गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, LFPR क्या कितनी रेट है। टोटल जो है वो 2017-18 में हमारे यहाँ पे 49% लोग काम करते थे, अभी 22-23 के अंदर बताया गया 58% लोग हैं जो कि पार्टिसिपेशन कर रहे हैं लेबर फोर्स के अंदर। ठीक है, रूरल एरिया में 60, अर्बन में 50, मेल 78 और महिलाओं का पार्टिसिपेशन 37% है। अब आप सोचिए, हम लोग इसलिए बात करते हैं कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन जॉब थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहिए इन सबको लेकर, चीज़ों को लेकर, क्योंकि अगर इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो हमारे GDP में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, हर घर की जो फैमिली इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो कि इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फादर, मैं स्लम में देखता हूँ ना कि फादर को बच्चे की पढ़ाई को लेना देना नहीं ज़्यादा, वो तो शाम में अपना पवा मारा और जय माता दी। लेकिन जो मैं देखता हूँ कि स्लम एरिया में जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते ना, वो उनकी मदर जो है वो बहुत सीरियस होती है उनकी एजुकेशन को लेकर, वो बहुत सपोर्ट करती है, मतलब लड़ती भी है, झगड़ती भी है, जितना हो सकता है ना वो करने की कोशिश करती है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए।
क्योंकि पता है कि एजुकेशन से ही चीज़ें बदलेगी मतलब। तो अगर एक मदर अगर पढ़ जाती है, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ लेती है ना, तो उसको इंपॉर्टेंस पता होती है, उसका बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जाएगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, शी नोज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो ये वाली कहानी है। तो अभी पार्टिसिपेशन भी काफ़ी लो है, पहले से काफ़ी बेटर है 30% से पिछले 5 सालों में। वैसे वर्कर पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन में वर्कर है जो कि काम कर रही है, वही टोटल 56% है आज के टाइम पे, और रूरल एरिया में 60 है, अर्बन में 47, मेल 76, महिलाओं की 75। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो पहले 6% था, गिर के 3.2% है, रूरल में 2.5 है, अर्बन में 5.5 है, मेल 3.5 और महिलाएं 3% के आसपास। तो ये पूरा डाटा है, ये आपको जो ऊपर ऊपर का टोटल वाला है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पेपर के अंदर ये तीनों डाटा है जो कि आपसे पूछेंगे, पहले वाले 5 साल पहले और अब वाले में क्या चेंज है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, 15 साल से ऊपर की पॉपुलेशन वाला जो कि काम देख रहा है उसको हम लोग जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इंक्लूड करते हैं। वर्कर पॉपुलेशन के अंदर जो है कितने लोग पॉपुलेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो काम करने योग्य है, उनका ये डाटा निकाला जाता है। ये एनएसओ के द्वारा डाटा बनाया जाता है जो कि मॉस्फी के अंडर में आता है दोस्तों, है ना, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो भारत में है उसको लेकर ये जानकारी है जो कि दी जाती है। 2017 के अंदर इसको लॉन्च है जो कि किया गया, कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि स्माइल योजना है, वैसे ही दक्ष योजना है, मनरेगा तो है ही, और कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, रोजगार मेला, या रोजगार मेला में तो मोदी जी खुद जो है सरकारी नौकरियां 10-10, 20-20 हज़ार लोगों को बांट रहे हैं, वो बताया। चलो नेक्स्ट है, तो कई प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि एक होती है छिपी हुई बेरोजगारी जिसमें जरूरत होती है दो लोगों की, काम कर रहे होते हैं 3 लोग, उसको कहते हैं। वैसे एक होता है सीजनल, जिसमें सीजन में क्या होता है कि 4 महीने काम है, फिर उसके बाद 4 महीने काम ही नहीं है, गाँव में देखने को मिलती है। उसी प्रकार से स्ट्रक्चर, जब जॉब की रिक्वायरमेंट और आपके स्किल दोनों मिसमैच करती है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल के अंदर क्या होता है कि जैसे रिसेशन आएगा नौकरी जाएगी, वैसे कुछ माहौल अच्छा बनेगा वापस नौकरी, तो साइकिल बनी रहती है ना। टेक्निकल के अंदर टेक्नोलॉजी चेंजेस, AI अभी नई नई चीज आ रही है, उसके साथ जॉब चली गई, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल के अंदर क्या है कि एक से दूसरी नौकरी जब छोड़ता है बंदा, बीच में गैप हो जाता है काफी, उसको कहते हैं, है ना। और वल्नरेबल के अंदर जो इनफॉर्मल, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं है, उन वो लोग जो काम करते हैं वो एक इनफॉर्मल वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट माना जाता है, कभी भी जा सकती है वो नौकरी। ऑलराइट, सेतु बंधन स्कीम। सेतु बंधन स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा बनाई गई है। इसमें क्या होता है, सेतु बंधन में क्या है, कई सारे ब्रिज है जो कि बनाए जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में बना रहे हैं हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट। तो इसमें एक फंड होता है, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, CRIF फंड से जो है सारे प्रोजेक्ट है जो कि बनाए जा रहे हैं। अभी अरुणाचल में बना रहे हैं 7 प्रोजेक्ट, 118 करोड़ का बजट है। CRIF जो है, ये जब आप कोई भी गाड़ी वाड़ी खरीदते हो ना, तो उसमें रोड टैक्स होता है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स जो लगता है ना, चलो ये है ना, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, वहीं से ये फंड है जो कि एक्चुअली बनाया जाता है। 2000 में इसको बनाया गया था, है ना, वहीं से इसको काम में लिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नासा ने दोस्तों रिसेंटली अभी कार्बन और वाटर, ये दोनों पता क्या है, बेनू के ऊपर। बेनू कौन है, बेनू कोई पड़ोस में रहने वाली आंटी नहीं है, ये एक एस्ट्रॉइड है जिसके ऊपर हम लोग काफी टाइम से रिसर्च है जो कि नासा कर रहा है। सबसे नियरेस्ट लोकेशन में हर 5-6 साल में आता है इंडिया के, सॉरी हमारे अर्थ के, और इसके ऊपर हमने काफी रिसर्च करी है। तो नासा ने दोस्तों अभी हाई कार्बन कंटेंट और वाटर के क्ले मिनरल्स है जो कि सैंपल कलेक्ट करे हैं दोस्तों बेनू से, ठीक है। बेनू 4.5 बिलियन ईयर पुराना हमारा एक अर्थ के पास में नियर अर्थ ऑर्बिट एस्ट्रॉइड है जो कि माना जाता है। नॉर्मली एस्ट्रॉइड आपको मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे, लेकिन कुछ एक एस्ट्रॉइड अपनी ट्रेजेक्टरी को लूज कर देते हैं और वो दूसरे हमारे अर्थ के पास में आ जाते हैं, उनको नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है जो कि हम लोग कहते हैं। तो हर 6 साल में ये हमारे पास में आता है। इसको नासा के द्वारा लिंकन नियर अर्थ स्टेशन के द्वारा, टीम के द्वारा 1999 में खोजा गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर हमने रिसर्च करना चालू किया ताकि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे एस्ट्रॉइड बने और प्लैनेट्स बने, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें। तो नासा का मिशन है जिसको ऑस्ट्रिक्स कहते हैं, ये फर्स्ट US एफर्ट है जिसमें ये लोग एस्ट्रॉइड के सैंपल 2016 में लेके आए थे, है ना, और उसके बाद में इसके अंडरस्टैंडिंग को ये लोग बढ़ा रहे हैं। आगे बात करते हैं पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव जो है वो यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया में बच्चों को, स्कूल के बच्चों के लिए, ताकि बच्चे फाइनेंशियल लिटरेसी को सीख सकें, कैसे पैसे बचाने हैं, कहाँ पे यूज करने हैं, कहाँ पे खर्च करने हैं, है ना, स्किल्स कौन से चाहिए, डिमांड में क्या है, जॉब की स्किल क्या चाहिए होती है, बोलना, बात करना, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें। तो स्कूल के अंदर जो है इनिशिएटिव यूनिसेफ के द्वारा किया गया। यूनिसेफ ने बोला है हमने 1 मिलियन बच्चों को ये चीज़ें जो कि सिखाई है, और मेजरली बच्चों को। गोल क्या है कि 5 मिलियन यूथ को इंडिया में 14 से 29 साल के 2024 तक सिखा दे। तो यूनिसेफ के द्वारा इनिशिएटिव किया गया है, ध्यान रखिएगा।
आगे बात करते हैं क्लास 24, जेआरएफ अड्डा या स्किल 24, तीनों एप्लीकेशन पे अगर आपको आज कोई भी कोर्स लेना है, आज के लिए आप लोगों के लिए 12% ऑफ मिलेगा नवरात्र स्थापना की वजह से। N12 रेफरल कोड है जो कि आप यूज कर सकते हो, इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे वापस से। क्लास 24 ऐप पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।